जहां आरा इस नाम का अर्थ होता है दुनिया की रानी, मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी जहां आरा जब तक रही दुनिया की रानी बनकर ही रही। जहां आरा को अपने जीवन में सब कुछ मिला, दौलत, शोहरत, अधिकार, सब कुछ। दौलत इतनी कि अपने समय में वो दुनिया की सबसे अमीर शहजादी थी, लेकिन फिर भी जहां आरा के जीवन में एक कमी रह गई, उनका कभी निकाह न हो पाया। उनके निकाह न हो पाने और शाहजहां से विवादास्पद संबंधों के बारे में उस समय के विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों ने लिखा है। तो देखिए मुगल शहजादी जहां आरा के जीवन की वो दास्तां जो इतिहास के पन्नों में दर्ज तो है, पर लोगों को इसके बारे में कम ही मालूम है। जहां आरा का जन्म 23 मार्च 1614 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था। 1631 में जब जहां आरा महज 17 साल की थी, उनकी मां मुमताज महल का 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इंतकाल हो गया। इसके बाद शाहजहां ने अपनी किसी दूसरी मल्लिका को महल के मामलों की जिम्मेदारी देने के बजाय अपनी बेटी जहां आरा को पादशाह बेगम बनाया, यानी मुगल सल्तनत की पहली महिला। जहां आरा को 14 साल की उम्र से 6 लाख रुपए सालाना वजीफा मिलता था, शाहजहां ने इसे 4 लाख रुपए और बढ़ाकर 10 लाख रुपए सालाना कर दिया। लेकिन जहां आरा की दौलत का अंदाजा आप सिर्फ इतने से मत लगाइए, उनकी जागीर का लेखा जोखा बहुत बड़ा था। यहां तक कि वो अंग्रेजों के साथ व्यापार भी करती थीं। जाहिर है शाहजहां सबसे ज्यादा प्रेम जहां आरा से ही करते थे। जहां आरा मुगल सल्तनत की अकेली ऐसी शहजादी थी जिसे आगरा के किले के बाहर अपने खुद के महल में रहने की इजाजत थी। दिलचस्प बात है कि जहां आरा के पास खुद का साहिबी नाम का एक जहाज भी था। सूरत की मिल्कियत मुगल शहजादी जहां आरा के पास थी। जहां आरा की इनकम का एक बड़ा हिस्सा तापी नदी के किनारे बने सूरत के किले से आता था। उनका जहाज सूरत की नदी के रास्ते कारखानों में बने सामान को दुनिया भर में पहुंचाता। अपनी समझ बूझ के बूते जहां आरा ने अपनी कमाई को 30 लाख रुपए सालाना तक पहुंचा दिया। आज के दौर में इसकी कीमत अरबों रुपए बैठती है। ये वो समय था जब जहां आरा का रसूख अपने भाइयों दारा शिकोह और औरंगजेब से भी बड़ा था। जहां आरा शिक्षित थी और कूटनीतिक व्यवहार में कुशल थी। वो इतनी ताकतवर थी कि विदेशी राजदूत भी उनसे बेहतर संबंध बनाना चाहते थे। 1648 में बने नए शहर शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली की 19 में से 5 इमारतें जहां आरा की देखरेख में बनी थी। दिल्ली का मशहूर चांदनी चौक का बाजार भी जहां आरा की देन है। उस समय पश्चिमी देशों से भारत आने वाले यात्री जहां आरा की हैसियत और रुतबा देखकर हैरत से भर जाते थे। इतिहासकार इरा मुखोटी ने बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया है कि अंग्रेज औरतों के पास इतने अधिकार नहीं थे। उन्हें इस बात पर ताज्जुब होता था कि बेगमें व्यापार कर रही हैं और उन्हें हुक्म दे रही हैं कि वो इस चीज का व्यापार करें। इस वजह से उन्हें लगता था कि जहां आरा के शाहजहां के साथ गलत संबंध है। इस बारे में फ्रेंच यात्री फ्रांसुआ बर्नियर ने अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में लिखा है, उस जमाने में हर जगह चर्चा थी कि शाहजहां के अपनी बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। वहीं दूसरे इतिहासकार निकोलाओ बनुची ने बर्नियर की इस थ्योरी को कोरी गप बताया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि जहां आरा के भी प्रेमी थे जो उनसे गुप्त रूप से मिलने आते थे। दरअसल इन किस्सों के पीछे दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई थी। जहां आरा दारा शिकोह के साथ थी, जबकि बर्नियर ने औरंगजेब का साथ दिया, इसलिए बर्नियर ने इस तरह की अफवाह फैलाई। लेकिन ये भी सच है कि जहां आरा तमाम उम्र कुंवारी रही।
यूं मुगल बादशाहों ने खुद कई शादियां की, लेकिन बेटियों के मामले में उन्होंने सख्त रवैया अपनाया। दरअसल बादशाह अकबर ने अपनी सौतेली बहन की शादी अजमेर के पास एक सूबे के हाकिम से की थी। अकबर के इस बहनोई ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। तब अकबर ने फैसला किया कि मुगल शहजादों में पहले से ही बादशाह बनने की होड़ लगी रहती है, ऐसे में अगर इसमें दामाद भी शामिल हो जाएंगे तो मुगल सल्तनत का क्या होगा। साथ ही जहां आरा बेगम का मुकाम इतना बड़ा हो चुका था कि हो सकता है उनके लायक शौहर मिला ही नहीं, जहां आरा ने आजीवन अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा, जब औरंगजेब ने शाहजहां को नजरबंद कर आगरा के किले में रखने का फैसला किया तो जहां आरा ने भी कहा कि वो अपने पिता के साथ रहेंगी। धारा शिकोह का साथ देने के बावजूद औरंगजेब जहां आरा का सम्मान करता था और उसने शाहजहां की मौत के बाद जहां आरा को बादशाह बेगम का खिताब दिया। सितंबर 1681 में 67 साल की उम्र में जहां आरा का निधन हो गया। औरंगजेब को जब ये खबर मिली वो उस समय दक्कन जाने के रास्ते में था। उसने जहां आरा की मौत का शोक मनाने के लिए शाही काफिले को 3 दिन तक रोक दिया। जहां आरा के अंतिम समय का वर्णन मशहूर लेखक जयशंकर ने अपनी कहानी जहां आरा में कुछ अलग और बड़े ही मार्मिक ढंग से कुछ यूं किया है। एक पुराने पलंग पर जीर्ण बिछौने पर जहां आरा पड़ी थी, औरंगजेब की आंखें आंसू से भर गई और वो घुटनों के बल बैठ गया। समीप मुंह ले जाकर बोला, बहन कुछ हमारे लिए हुक्म है। जहां आरा ने एक पुर्जा उसके हाथ में दिया। औरंगजेब ने आंसू पोंछते हुए पुर्जे को पढ़ा। उसमें लिखा था, बगैर सहज न पोषत कसे मजार मरा, कि कब्र पोश गरीबा हमी गया बसस्त। यानी कोई इंसान मेरी कब्र को हरी घास के सिवा किसी और नकाब से न ढके, क्योंकि यही घास इस अदना के लिए सबसे मुफीद चुन्नी होगी। जहां आरा को दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास उनकी इच्छानुसार दफना दिया गया। अगर आप कभी हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर जाएं तो एक निगाह जहां आरा की कब्र पर भी डालिएगा। वहां एक वक्त दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर शहजादी रही जहां आरा सोई हुई है।